नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पाम का एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज इस पाम में है तो ये सिमियन लाइन, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हथेली की साइज, ना चौड़ी है ना लंबी है, बीच वाली है। दोनों तरह के गुण होंगे, बोलने में भी अच्छे होंगे ये व्यक्ति और मेहनतकश भी होंगे। इनकी उंगलियां मध्यम मांसल है, यानी शरीर में ताकत मध्यम रहेगी, और छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज के पास, सूर्य उंगली के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचने की थोड़ी सी कमी रहेगी। कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सी कमी रहेगी, कोई ज़्यादा नहीं, बाकी उंगलियां काफ़ी अच्छी है। अब चलते इनके ग्रहों पर। इस पाम में ये बुध ग्रह अच्छी खासी जगह लिया हुआ है और छोटी छोटी लाइनें भी है, यानी ये ग्रह इनको काफ़ी बेनिफिट देगा। मुझे इसमें कोई माइनस पॉइंट नहीं दिख रहा है। सूर्य पर्वत पर एक ऐसी साइन है, ये स्क्वायर, ये सूर्य रेखा, इसको मिलता हुआ ये स्क्वायर। इतना बड़ा स्क्वायर, एक छोटा स्क्वायर होता है तो भी व्यक्ति के मल्टी सिटी बिजनेस होता है उस व्यक्ति का। सूर्य पर्वत पर इतना बड़ा स्क्वायर है तो आप इमेजिन करो कि कितना फैला हुआ बिजनेस होगा इस व्यक्ति का। आज हो ना हो पता नहीं, पर ये काफ़ी फैला हुआ बिजनेस होगा इनका। बहुत सी कंट्रियों में इनकी ब्रांचें होगी, ये जो भी व्यापार करेंगे उसमें। सेम चीज शनि पर्वत पर भी है, ये स्क्वायर इसी तरह का। जब शनि पर्वत पर भी स्क्वायर होता है तो उसके पास भी अपार अचल संपत्ति का निर्माण होता है। इतनी अचल संपत्ति उस व्यक्ति के पास जमा हो जाती है जो वो सोच भी नहीं पाएगा। बहुत बेनिफिटेड है, प्लस रिसीविंग भी है यहाँ पर, ये भी अच्छी चीज़ है। अब गुरु पर्वत पर जाने के पहले और एक अच्छी साइन इस हाथ में है, वो है ये शुक्र वलय। इस ऐसे शुक्र वलय को कंप्लीट ही गिना जाता है, बहुत लोगों के हाथ में यहाँ तक पहुँचता है, पर ये भी कंप्लीट ही गिना जाता है शुक्र वलय। ये भी इंसान को बहुत धन देता है, आसानी से सफलता दिलाता है, कम मेहनत में इंसान बहुत आगे निकलता है। फिर चलते इनके गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत पर इतनी बड़ी लाइन, प्लस ये पर्वत का घेराव देखो आप कितना बड़ा। अगर ये फूड इंडस्ट्री में है तो इनको बहुत बेनिफिट देगा ये गुरु पर्वत। हाँ, इससे बहुत बार घमंड भी आता है। विद्या ग्रहण करने वाला व्यक्ति होता है, अच्छी खासी नॉलेज गेन करता है। और इस पर एक दो साइन और है जिसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये विंडो, ये इस तरह की जब साइन किसी व्यक्ति के हाथ में बनती है तो उसको पारिवारिक सुख अपार मिलता है, बहुत अच्छा पारिवारिक सुख मिलता है। और इसी पर्वत पर और एक है जो ये रेखा है, आड़ी रेखा है। मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट करती है ये रेखा है। व्यक्ति के पास अनगिनत जगह से पैसा आता है कंटिन्यू,
इस प्रोग्रेस लाइन को ये लाइन काटती भी है, उसके कारण थोड़ी तकलीफें भी उठानी पड़ती है, बहुत इजीली नहीं मिलता, पर ये लाइनें सामने धन देती भी है, मल्टीपल इनकम। और इस पर्वत पे एक ही ये लाइन नहीं है, ऐसी यहाँ पर और एक लाइन है, यानी इनका गुरु बहुत पावरफुल है। ये अगर फूड इंडस्ट्री में जो करना चाहे वो सब प्राप्त कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में ग्रोथ पाने के लिए गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब चलते इनकी रेखाओं पे। इनकी जो माइंड लाइन और हार्ट लाइन मिला के एक सिमियन लाइन टाइप की फॉर्मेशन बन रही है, और ये रेखा अगर अवेलेबल है किसी व्यक्ति के हाथ में और अगर उसकी फेट लाइन प्रॉपर नहीं है तो व्यक्ति नेगेटिव सोच वाला बनता है। पर इनके हाथ में अच्छी खासी फेट लाइन बनी हुई है तो इनकी सोच पॉजिटिव होगी, और इनके हाथ में एक छोटी सी हार्ट लाइन भी बन रही है, ये यानी इनमें दया का भाव भी होगा, उतना नहीं थोड़ा कुछ। ये काफ़ी जिद्दी होते हैं, जो एक बार काम ठान ले तो उसको पूरा करके ही छोड़ते, रात दिन एक कर लेते। इनको समय का ज्ञान नहीं होता, दो दो दिन भी जगा दो, चार तीन तीन दिन भी जगा लो, ये काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा ये चैन से नहीं बैठते, इस तरह का व्यक्तित्व होता है। बहुत बड़ा काम करने के लिए इस तरह की सिमियन लाइन होना बहुत पॉजिटिव साइन है, ऐसा व्यक्ति बहुत आगे निकलता है। दूसरा, इस पाम में हर ग्रह काफ़ी उभरे हुए, काफ़ी उभरे हुए और फुगा फुगा हाथ लग रहा है। इस तरह का व्यक्ति अचानक कुछ भी निर्णय ले लेता है। इनकी गाड़ी 120 की रफ्तार में चलती हो और ब्रेक मार के बोलेंगे मुझे आगे नहीं जाना, और रुकी हो तो बोले नहीं अभी आगे जाना है, इस तरह का मानसिकता इनके साथ होती है। ये प्लस पॉइंट भी और कभी कभी नुकसान भी देता है। अब बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, इतना अच्छा नहीं है, पर जरूरी नहीं कि हर पर्वत अच्छा ही हो, इमेजिनेशन थोड़ा सा पार्ट कम रहेगा। शुक्र पर्वत और ये मंगल, आंतरिक मंगल, ये भी उभरा हुआ, ये भी जमीन जायदाद से इनको बेनिफिट देगा, और शुक्र पर्वत ये, पर इस पर्वत पर बहुत सी आड़ी लाइनें हैं जो इनको बढ़ने में थोड़ी रुकावट होगी। इसकी रेमेडीज है, मैं इनको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। इनकी ये लाइन है, इनको एक टाइप का काल सर्प योग का भी कुंडली में हो सकता है, इनको काल सर्प योग भी हो, क्योंकि बहुत सारी रेखाओं जब शुक्र पर्वत पे होती है तो इस तरह का योग बनता है। तो इसके रत्न पहनेंगे तो ये काफ़ी इनको बेनिफिटेड होगा, यानी यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है ज़्यादा। और अब इनकी बात करते हैं जीवन रेखा की। चंद्र पर्वत तक जा रही है, ऐसी रेखा वाला व्यक्ति ज़्यादातर विदेशों में ही बसता है, जहाँ उसका जन्म हुआ होता उधर से, और चांसेस होते हैं उसके विदेश में ही सेटलमेंट होता है। और विदेश बसने का एक और लाइन इनके पाम में है, मैं आपको दिखाता हूं। ये शुक्र से ऐसे चलते हुए ये लाइन ऐसे जा रही, जब शुक्र और चंद्र का मिलन होता है तो ऐसा व्यक्ति फॉरेन में ही सेटल होता है। और दूसरी साइन है इनके पाम में, ये फिश, ये भी इनको विदेश सेटलमेंट के
बेनिफिट दिलाएगी, और ये फिश इनके बुढ़ापे में इनके पास इतनी सारी समृद्धि होगी कि इन्होंने आज की तारीख में ये सोच भी नहीं पाए कि ये लेवल का मैं पहुंच पाऊंगा। ये फिश इनको बहुत बेनिफिट देगी जीवन भर। अब इनके जीवन रेखा में बहुत सी प्रोग्रेस लाइन है, एक ये हो गई, ये भी प्रोग्रेस लाइन है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन है। ये प्रोग्रेस लाइन इनको काफ़ी अपर लेवल पर पहुंचा देगी। अब इनके दो तीन सवाल थे, वो ये थे कि मैं मेरा बिल्डिंग बनेगा कि नहीं, पहली चीज। तो बिल्डिंग बनने के पूरे योग है, शुक्र पर्वत पे अच्छे खासे स्क्वायर बने हुए हैं, ये इनको बिल्डिंग का लाभ देंगे, इनके द्वारा बिल्डिंग का निर्माण 100% होने वाला है। दूसरा, इनकी जो फेट लाइन है उसकी रफ्तार यहाँ से चल रही है चंद्र पर्वत से, और एक घुमाव ऐसे ले रही है, और एक घुमाव इधर भी लिया, तो इनको सरकार से भी बेनिफिट मिलते रहेगी, सरकारी कामों में भी इनको हेल्प मिलेगी, और जब कोई शाखा सूर्य पर्वत की तरफ जाती है फेट लाइन की, तो वो विदेश से धन अर्जित होगा, उसका भी इंडिकेशन है। और दो दो फेट लाइन है इनके, ये मर्ज हो रही है यहाँ पर, तो ये भी एक बहुत बड़ी सफलता का घोतक है। और इनकी नॉन स्टॉप चल रही है फेट लाइन, कहीं पे भी कटाव नहीं है, और ऐसे कोई ज़्यादा हर्डल्स मुझे दिख नहीं रही है। तो मेरे हिसाब से मोरल ऑफ द स्टोरी, इनका पाम अति उत्तम है, ये जीवन में बहुत आगे निकलेंगे, इनको कोई ज़्यादा तकलीफ आने वाली नहीं, ये बिल्डिंग भी बनाएंगे, इनका व्यापार भी फैला हुआ होगा, इनको ज़्यादा कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। आशा रखता हूँ, और कोई प्रश्न छूट गया हो इनका तो ये मुझे WhatsApp पे पूछ सकते हैं। काफ़ी बढ़िया पाम है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।